हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम एलईडी बैकलाइट टेस्टर बना रहे हैं डीटीएच खराब सप्लाई से। देखिए ये हमारे पास डीटीएच की खराब सप्लाई रखी है, इससे हम एलईडी बैकलाइट टेस्टर बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, इसके बाद इसके हम डायोड ओपन करेंगे। बिल्कुल फ्री में बनाना है दोस्तों, इसमें कोई खर्च नहीं है। खराब डीटीएच की सप्लाई से हम डायोड निकाल के बैकलाइट टेस्टर बनाएंगे। मार्केट में खरीदने जाओ बैकलाइट टेस्टर तो बहुत महंगा मिलता है, तो क्यों ना हम ऐसी जुगाड़ से बना सकें बैकलाइट टेस्टर। देखिए हमारे पास खराब सप्लाई पड़ी थी, उससे हम निकाल के बनाएंगे आज बैकलाइट टेस्टर। देखिए दोस्तों, हमने खराब डीटीएच की सप्लाई लिया है, इससे हमने ये चारों डायोड निकाला है, 1 2 3 चारों ये डायोड निकाला है और एक रेजिस्टेंस निकाला है। इसका हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है हमारी बैकलाइट को चेक करने के लिए। अब इसे हम वायर सॉल्डर करेंगे और आपको चेक करके बताएंगे कि इसे कैसे चेक करना है। देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही हम घर में बना के बैकलाइट को चेक कर सकते हैं। देखिए अब हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर में वायर सॉल्डर कर लिया है। अब हम बैकलाइट टेस्ट करेंगे, हमारी चालू है या बंद है। देखिए हमारी बैकलाइट जलने लगी। अब हम इसकी सप्लाई भी चेक करके देख लेंगे। देखिए हमारी बैकलाइट चालू हो चुकी है। देखिए कितने वोल्ट की बैकलाइट है दोस्तों, हम ये भी चेक कर सकते हैं मीटर की सहायता से। अब मीटर में हम सॉल्डर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक कर, देखिए हमने ये दो वायर जोड़ लिया है इसमें, तब हम इसे सप्लाई देंगे और इसे हम चेक करेंगे हमारी एलईडी स्ट्रिप कितने वोल्ट की है। देखिए स्ट्रिप हमारी 25 वोल्ट की है। देखिए इससे हम दोस्तों एक एक बल्ब भी चेक करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये हमारी 29.5 वोल्ट की है। अब हमें इसे एक एक एलईडी बल्ब चेक करके देखना है, तो ऐसे देख सकते हैं चेक करके। एक एलईडी हमारी कितने वोल्ट की है ये चेक करना है हमें। देखिए ये हाई वोल्ट कुछ बता रहा है दोस्तों, ये 3 वोल्ट की एलईडी दोस्तों हमारी। तो इस प्रकार से हम घर पे ही बैकलाइट टेस्टर बना के एलईडी स्ट्रिप को चेक कर सकते हैं कि हमारी एलईडी स्ट्रिप कितने वोल्ट की है। ओके थैंक यू दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉनिक एलईडी हेल्प इन्फो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।